हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, हमारा 2.4। एक्चुअली 2.1, 2.2, 2.3 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ओके? अभी 2.4 चालू करेंगे। इसमें फर्स्ट लेक्चर है हमारा इसका। सिंपल कुछ नहीं करना, ए मैट्रिक्स दिया आपको, आपको ए रेस टू टी फाइंड करना है। अब ये मैंने लास्ट दो तीन वीडियो में ऑलरेडी बता के दिया हूँ। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, या मतलब ऐसा बोल, जो सोया है उसे खड़ा कर दो, जो खड़ा है वो सोया कर दो। जैसे कि इसको पढ़ेंगे हम लोग ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स का नाम बी दिया है तो क्या बोलेंगे? बी ट्रांसपोज। तो कैसे कहेंगे? ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखना, बहुत हार्ड है, ध्यान से देखना, समझेगा नहीं। ये रो है, कॉलम बना दो, रो है कॉलम बना दो, हो गया। जो सोया हुआ है उसे खड़े में लिख दो, सोया हुआ खड़े में लिख दो, हो गया। सेम यहां पर ए ट्रांसपोज, हाँ क्या आएगा बताओ? सोया हुआ है खड़े में लिख दो, 2-6, 1। सोया हुआ है खड़े में लिख दो, समझ गया? पेपर कॉपी कर लो इसको, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल प्रूफ कर रहे हैं हम कुछ। ध्यान से देखना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर की वीडियो में बनाया है इस चैप्टर के, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ओके? पर फिर भी वापस रिपीट कर देता हूं, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या नई बार देख रहे हैं उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है, फिर से बताता हूं। ए मैट्रिक्स दिया है आपको, इसका कितनी बार ट्रांसपोज लेना है? दो बार। जैसे पिछली बार मैंने एक बार ट्रांसपोज लिया, आपको दो बार लेना है। तो सिंपल, इसका दो बार ट्रांसपोज लो। पहले एक बार लेंगे, तो एक बार टी लिखा मैंने, कैसे लेते बताया? सोया का खड़ा, सोया हुआ है खड़े में लिख दो, सोया हुआ है खड़े में लिख दो, सोया हुआ है खड़े में लिख दो, क्या? दूसरी बार एक और बार ट्रांसपोज लो, दो बार लिखने का ऐसे, ए ट्रांसपोज का एक और बार ट्रांसपोज ले रहे, ओके? अब जैसे कि अब इसका ट्रांसफर मत लेना, इसका लेना है। पहली बार जो लिया उसका है, दूसरा बार लेना है, पहली बार वाले का ही, इसका लेने का। सोया हुआ है खड़े में लिख दो, सोया हुआ है खड़े में लिख दो, जरा देखो क्या है ये, देखो ना, क्वेश्चन ही आया ना वापिस, ए मैट्रिक्स ही आया ना। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग ए, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आंसर क्या आया? ए, हो गया प्रूफ, ओके? इस क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज, हमको ए का ट्रांसपोज लेना है और वापिस क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो सिंपल है, ए ट्रांसपोज कैसे करते हैं? सोया हुआ खड़े में लिख दो, 1-2-5। सोया हुआ है 2-3 खड़े में लिख दिया, सोया हुआ है, देखो क्या आया, कुछ नहीं आया, देखो कुछ नहीं आया ना। तो ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। फॉरवर्ड कॉपी कर लो, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और आपको सी डिफाइन करना, आपको सी ट्रांसपोज निकालना है। क्या फाइंड करना है? सी ट्रांसपोज। और साथ में आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ये बोला है आपको, दिया हुआ इक्वेशन आपको, 3a-2b+c बराबर कितना? आई। अब आई मैंने बहुत बार बता चुका हूं आपको, आई मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स पता होगा, आई मतलब क्रॉस में 1, बाकी क्या होता है? 0। ये बताया ऑलरेडी, ओके? तो अपने को सी ट्रांसपोज फाइंड करना था। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, हमको सी ट्रांसपोज कब मिलेगा? जब हमारे पास सी होगा। अगर हमारे पास सी मैट्रिक्स आ गया कहीं से, तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हो गया सी ट्रांसपोज। तो हमारा जो पहला एम होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है? सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसमें से हम लोग सी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। देखो ना, ए दिया है ए डाल दो, बी दिया है बी डाल दो, आई हमको ऑलरेडी पता है, सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमको सी मिल जाएगा, और फिर उसका सी ट्रांसपोज कर दो। चलो देखते, लिख दो इक्वेशन, 3a-2b+c बराबर आई, ओके? 3 × ए मैट्रिक्स क्या है जरा बताओ? 5, 4-2, 3 -2 ×
ओके बी मैट्रिक्स क्या है देखो इधर पे माइनस वन थ्री फोर माइनस वन सी है क्या तुम्हारे पास नहीं है तो सी एज इट इज इक्वल टू आई आई मैट्रिक्स बताया आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्रॉस में वन बाकी क्या हो जाएगा जीरो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं सवाल हम लोग पहले चलो करते हैं थ्री से मल्टीप्लाई करो पहले बताओ कितना आएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स थ्री इंटू थ्री नाइन ओके अब यहां माइनस बाहर रहेगा सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई किया टू इंटू माइनस वन माइनस टू टू इंटू थ्री सिक्स टू इंटू फोर एट टू इंटू माइनस वन माइनस टू टू इंटू माइनस वन माइनस टू टू इंटू थ्री सिक्स टू इंटू फोर एट टू इंटू माइनस वन माइनस टू ओके प्लस सी एज इट इज यहां पर जो आंसर है छाप दो वन जीरो जीरो वन अभी कर रहे हैं क्या चाहिए बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा पहले इन दोनों को माइनस करेंगे ओके अब माइनस करते समय जरा ध्यान देना रॉन्ग ना हो पाए बहुत बड़ा छोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे चलो करते हैं बताओ ये 15 किससे माइनस होगा इससे माइनस होगा अब ध्यान से देखना 15 माइनस माइनस टू कितना हो जाएगा ये प्लस टू हो जाएगा कि माइनस दो बार आ गया ना तो 15 और ये प्लस टू कितना हो जाएगा 17 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 17 नहीं समझा रिपीट कर दूं एक बार और साइड में लिखकर देखने का ये क्या है 15 हमको करना क्या है माइनस किसके साथ करने का है माइनस टू के साथ करना है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस टू आंसर क्या है 17 ओके नेक्स्ट 12 माइनस सिक्स सिक्स होता है नीचे माइनस सिक्स माइनस एट फिर से पढ़ रहा हूं माइनस सिक्स माइनस एट कितना हो जाएगा माइनस 14 नेक्स्ट 9 अब देखना 9 माइनस माइनस टू ये प्लस टू हो जाएगा 9 माइनस माइनस टू प्लस टू यानी 9 प्लस टू कितना होता है 11 प्लस सी इज इक्वल टू सी एज इट इज है वहां पर दिया है मैट्रिक्स तुमको क्या दिया है 1001 ओके क्या करो अभी नेक्स्ट सी मैट्रिक्स निकालना है हमको इसको वहां भेज दो तो सी बराबर क्या हो जाएगा बोलो ये 1001 उसको वहां भेज दो तो ये मैट्रिक्स की साइन क्या है प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस हुआ वहां जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये प्लस क्या बन गया माइनस अंदर का नंबर सेम 17 6 माइनस 14 11 ओके अब माइनस कर लो फटाफट 1 माइनस 17 कितना हो जाएगा माइनस 16 नेक्स्ट 0 माइनस 6 6 मत लिखना भूल के भी 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 6 नेक्स्ट 0 देखो माइनस माइनस 14 दो बार 14 आया 0 और ये माइनस माइनस में तो प्लस 14 हो गया तो 0 प्लस 14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा नेक्स्ट 1 माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस 10 ये आपका सी मिल गया सी मिल गया लास्ट में वो फाइंड क्या करना है सी ट्रांसपोज मैंने क्या बताया ट्रांसपोज कैसे निकलता है सोयो क्या करने का खड़ा कर देने का तो इधर क्या दिया देखो माइनस 16 माइनस 6 ऐसे लिख दो माइनस 16 माइनस 6 14 माइनस 10 खड़े में लिख दो 14 माइनस 10 ये तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स निकला सी मैट्रिक्स ओके फटाफट कॉपी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू